My military, my army is disciplined and they follow the Constitution of Pakistan. अगर कोई individual ये सोचे कि they are not under the government, they are mistaken. They are under the government and they will remain under the government because we are the elected, chosen representative of the people of Pakistan. They are being paid from the state exchequer. आपके रेवेन्यू से, आपके टैक्सेस से हम सब की तनख्वाहें जा रही हैं और जिसकी जिसकी तनख्वाहें जाएंगी दैट विल बी रूटेड थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ द इलेक्टेड फोरम ऑफ दिस कंट्री. यहाँ इंट्रीग्स हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं और साजिशें ये हो रही हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को पैकअप किया जाए. तो मैं उनको बताना चाहता हूँ. वेलकम बैक शेख रोहित असगर साहब, ये बताइएगा अब बात करें आप. मुझे इसमें एक वाज़े पैगाम नजर आया. फौज हमारे माताहत है, हमसे पैसे लेती है. ये सारी बातें आपने सुन ली होंगी और एक इंडिविजुअल अगर अपने आप को मैं इस बात पे देखिए, मैं जास्मीन इस बात पे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता. पता नहीं क्यों डरते हैं ये लोग. भाई आप क्यों नहीं बताते? आप कहते हैं जी इंडिविजुअल हु इज इंडिविजुअल, किस पे आप इल्जाम दे रहे हैं? अगर आप बताएं, आप कहें जी हाँ DGI ऐसा ही है, महरीन यहाँ बैठी है, महरीन कहें हाँ. मतलब किस बात का डर है आपको? इस बात का डर है कि जी आपकी हुकूमत गिरा दी जाएगी. भाई हम लोग ये कहते हैं कि जमहूरी तौर पे अगर आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो हम आपके साथ हैं. गैर जमहूरी किसी हथकंडे के में साथ नहीं देंगे, बल्कि हम उस स्ट्रगल में साथ होंगे. तो फिर आपको किस बात का खौफ है? भाई बताते क्यों नहीं है? आप कौम को सच बताएं. अब बस करते हैं, बड़ी हो गई आप पर्दे के पीछे छुप छुप के बातें करना और छुप छुप के सारा कुछ करना. ये तो मतलब अब वो दौर नहीं रहा. अब आपको सच बताना पड़ेगा. अभी एक आपने मैं इस बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा, शमसी बेस की आपने बात कर दी. बाकी जितने बेसिस हैं खोलिए आवाम के लिए, मीडिया के लिए खोल दीजिए ताकि पता चले कि और तो कोई शमसी बेस जैसे बेसिस तो नहीं आपने दिए हुए. और अगर आप ये कहते हैं कि जी आप अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो बाबा आप आंखों में आंखें डाल के बात जब करते हैं तो फिर खड़े हो जाइए अपनी कदमों पे, पाँव पे. ये तो बात मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ. मैंने असेंबली फोरम पे भी कही और मैंने बाहर भी कहता हूँ. और ये जब ये बात करते ना प्राइम मिनिस्टर के मुँह से, ये भी बात अच्छी नहीं लगती कि जी ये बड़ा सुप्रीम अदारा है. सुप्रीम अदारा किस किस्म का सुप्रीम अदारा है? आपने यूनानिमस अपना वहाँ पर रेजोल्यूशन पास की और उसकी जो बेतकीरी आपने की है, जिस जॉइंट सेशन में आपने ये किया, उस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ. यानी कि आज तक आप डरते मारे वो जाके रेजोल्यूशन जाके एम्बेसी में जमा नहीं करवा सकते. ये बातें बड़ी अजीब सी हैं. अच्छा मैं आपको एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ. मैं कोई इजाजुल हक को सपोर्ट नहीं कर रहा उस बात को. मैं पहला आदमी था जिसने ये कहा था कि सदर साहब की बीमारी पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए. मैं पहला आदमी था जिसने ये बात की थी. लेकिन मैं ये बात कहता हूं और बड़े वसूख के साथ ये बात कहता हूं कि ये जितनी कंफ्यूजन पैदा की ये पीपल्स पार्टी के उन अकाबरीन ने जिनको अलफ बे का पता नहीं था. वो उनकी बीमारी पे अपनी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं. हत्ता के जास्मीन आपकी नजर से गुजरा होगा कि जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीपल्स पार्टी से ये कहा कि ये दवाइयों का रिएक्शन हो सकता है. देखिए सच अगर आप शेख साहब अगर आप सच की बात करते हैं ना तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बात दुरुस्त है, पर कि सच फिर दो सामने आएंगे ना. देखिए मैं अच्छा यहाँ पे मैं आपके मैं भूल जाऊंगा. मैं एक बात सिर्फ जास्मीन एक बात मुझे आप करने दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पिछले कई अरसे से ये बात कह रहे हैं कि एजेंसीज अपना किरदार बंद करें, अपने हरकत को अपने काबू में रखें. क्यों? इसीलिए कि वो 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता है क्या हो रहा है. अब मुझे एक सिर्फ सवाल मैं करता हूं इसे महरीन से. 30 अक्टूबर से पहले जास्मीन ना मीडिया को पता था ना किसी और को पता था कि हुसैन हक्कानी का नाम आएगा इस मीमो में. इमरान खान को क्या कोई वहां से कोई ऊपर से कोई आया था, पैगाम आया था? कहां से पैगाम आया था जो उसके कान में कहा गया और उसने 30 अक्टूबर के जलसे में हुसैन हक्कानी का नाम ले लिया कि मीमो का जो मामला है वो हुसैन हक्कानी को सफीर की बात की थी ना क्योंकि अमेरिका से रिलेटेड था. बहरहाल इसका मेरी मैं एक सेकंड में नहीं स्टेटमेंट जो आर्टिकल छपा था वो लंदन के हवाले से छपा. ठीक है मैं एक पर्टिनेंट पॉइंट जो इजाजुल हक साहब ने उठाया मैं उसकी तरफ वापस आना चाहती हूँ। देखें, आपने कहा सच बोलें, ठीक है, सच बोलें, कौन से सच बोलें, नहीं तो चले पार्लियामेंट का सेशन बुला के सच बोलें और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लें और उस इंडिविजुअल का नाम लें। आपने पहले सेनेट में एक ऐसा शख्स है जिसका मंसूर एजाज से आज भी रब्ता है। अरे भाई कौन है आप? वजीर आजम है, आप कौम को बताएं, हम आपके साथ हैं। आपने कहा एक इंडिविजुअल से जमहूरी हुकूमत को खतरा है, आप नाम लें, हमें बताएं वो कौन है। इजाजुल हक साहब ने एक पर्टिनेंट पॉइंट उठाया है, कल पूरी वेस्टर्न मीडिया ये पूछेगी आपसे कि पाकिस्तान का वजीर आजम तो खुद फौज से पूछ रहा था कि उसामा बिन लादेन को 6 साल का वीजा किसने दिया। अब इसका जवाब तैयार कर लें आप कल के लिए। इजाजुल हक साहब अगर आप कमेंट करें तो। देखें, पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल की बात इसलिए मैं नहीं कर रहा कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो बयान अपना दिया उसमें उन्होंने कहा कि फौज और ISI हमारे मतहत नहीं है। यानी ये अजीब व गरीब बात है कि खुद तजाद पैदा हो जाता है यहाँ पर कि आप खुद आइन को पामाल कर रहे हैं। जब आइन आपको कहता है और आप कहते हैं कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती है, फिर एक वजारत ये कह रही है आपकी और या एक वजीर जो है ये एफिडेविट दे रहा है या बयान दे रहा है अपना या रिप्लाई दे रहा है कि जी आर्मी और ISI हमारे मतहद नहीं। फिर आप किस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं? ये रोहित असगर साहब कह रहे हैं, DG ISI की कर रहे हैं, मैं शायद कह रहा हूँ कि आपने कियानी साहब के बारे में कह रहे हैं। फिर इसी किस्म की बातें जो है वो बाहर निकलती। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक क्या ये छोड़ दें इदारों को। एक मिनट मेरी बात सुन लें पहले। आप ये बताएं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी प्रोब कर रही है और उसका जो आने वाला है उन्होंने कहा इस माह के आखिर तक उसका फैसला आ जाएगा, फिर वजीर आजम को ये कहने की क्यों जरूरत पेश आई? उनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी? कल को ये भी कोई पिटीशन लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये कहेंगे हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश कौन कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या फौज साजिश कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रही है? साजिश कर रही है 18 करोड़ अवाम जो इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, साजिश कर रहे हैं वो अदारे इस वक्त जो तबाही के दाने पर खड़े हुए हैं, रेलवे से लेकर और PIA से लेकर और स्टील मिल से लेकर OGDC, सुई सदन, सुई नॉर्दन, सब के सब तबाह। लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। मेरी बहन खुद फंस गई थी, अगले दिन 3.5 घंटे मैं फंसा रहा ट्रैफिक के अंदर। नहीं, तो जरदारी साहब को चॉपर लिफ्ट करना पड़ा, इतनी तोड़फोड़ हुई। क्या हालात हैं? हालात तो आपके सामने हैं। बहरहाल संगीन मामलात हैं। ऐसे हालात में क्या अब क्या किया जाए? क्या बिहाइंड द सीन्स मुज़ाकरात होंगे? देखिए, फौज को तो नहीं करना चाहती, लेकिन ये बार बार कहना और उन पे इल्ज़ाम लगाना, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, देयर हैज़ टू बी अ लिमिट। बिकॉज ये 7 जर्नलों या 11 कोर कमांडर्स की बात नहीं हो रही, ये 7 लाख फौज की बात हो रही है जो सरहदों को भी संभाल रहे हैं। तो इसका आप जनरल इम्पैक्ट भी देख लें कि क्या हो रहा होगा, और जो इनके मुताबिक इनके मतहद भी नहीं है वो इनके ये भी देख लेना। ये जो बयान आया है, ये बयान क्या कि एक जमहूरी हुकूमत को ये बयान देना चाहिए कि फौज और ISI हमारे मतहत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस्तीफा देके घर चले जाएं इससे पहले कि ये बात करें, अगर आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं तो। और कोई यहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा रहा, किसी ने बात करने की। देखें, मैं एक सेकेंड आखिरी बात कर रहा हूँ। जब चीफ जस्टिस को बहाल किया गया, उन्होंने जिसने भी बहाल करवाया सबको मालूम है, तो जमहूरियत को बचाया उन्होंने। जब कैरी लूगर बिल आया तो उनको बयान देना पड़ा, लेकिन जमहूरियत को बचाया उन्होंने। जब उसके बाद आपने देखा कि ये मेमो स्कैंडल आया तो भी सारे मामलात यही थे। उसके बाद कराची ऑपरेशन को देख लें, इतवार वाले दिन उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा भाई इनफ इज इनफ, अब जो है DG रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। चीफ जस्टिस सारा रमजान एम्बुलेंस इजाजुल हक साहब, सारा रमजान एम्बुलेंसेस की आवाजें उठती रही हैं, 350 लाशें उठती रही हैं 3-4 दिनों में। कौन बर्दाश्त कर सकता है ये खून खराबा? उनके मालिक को इसी को कहते हैं मफामत की सियासत। अगर किसी ने एडवेंचरिज्म करनी होती तो इससे बड़ा मौका क्या था? देखिए, कोई भी एडवेंचरिज्म नहीं कर रहा, लेकिन द चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि परेशानी किस बात की? परेशानी किस बात? वजीर आजम को खड़े होकर ये क्यों कहना पड़ा? सारा मुल्क यही पूछ रहा है कि क्यों कह रहे हैं वजीर आजम ये बात, क्यों उनको ये लगा कि आज स्टूडेंट से हालांकि बात करते हुए उन्हें कुछ और कहना चाहिए था, बट ही वाज वेरी एग्रेसिव। मेरीन, अगर आप कुछ कमेंट करें उनकी बात पर। जी जैस्मीन, अगर मुझे इजाजत दें और थोड़ी इंटरप्शन ना हो तो मैं बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और इसको पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप लेके जाएं। देखिए यही इसी तरह की बातें जिस तरह हो रही हैं बार बार आप देखें, मैं तो नाम भी देखें, एक इदारा होता है उसकी सैंडिटी होती है, उसकी इज्जत होती है, बार बार आप फौज हो गया दूसरा इदारे की बात कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि हमें ये बात अब करना अब छोड़ देनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इसलिए ये बात की है कि माजी में एक मैं समझती हूँ घिनौना माजी रहा है, मगर अब वो बात नहीं है। ये आपने बात ठीक कही है कि 7 लाख फौज है जिसकी आज बात की जा रही है और उनका जो मोरल है वो डाउन होगा। देखिए इसी तरह की बातें हैं जो अभी की जा रही हैं कि ये मामलात ऐसे जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं। रोहित असगर साहब ने कहा कि छुप छुप के मिलते हैं, ये तो पूरी कौम जानती है कि छुप के मिलने के लिए उनसे कौन गया था। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट के सुप्रीम कमांडर इस वक्त जो है पार्लियामेंट के वो है प्राइम मिनिस्टर साहब और सारे इदारे उनके मातहत हैं। मातहत होने का मतलब ये होता है कि जो पावर डिराइव करते हैं वो पार्लियामेंट से डिराइव करते हैं। ये देखें अल्फाज के चुनाव में भी हमें जरा एहतियात बरतनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, सिर्फ ये कह रही हूँ आप देखिए, सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसीज की थ्योरी सब बंद हो जानी चाहिए। हम तो नहीं कह रहे ना मेरी, जब भी जमहूरियत आई है ये तो आप वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि ये मेमो क्या चीज़ है, ये मेमो तो देखें आप, ये तो मैं क्या कह सकती हूं क्या चीज़ है। मेंटेनेबिलिटी ही सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल अभी उस वो क्वेश्चन ही एड्रेस नहीं हुआ, हम मेरिट्स पे जा रहे हैं। ठीक है अभी देखें मैं जो बात कहना चाह रही हूँ उसको बड़े सोचें आप कि पूरी कौम एक कागज का एक ऐसा पीस है जिसने फौज को भी पार्लियामेंट को भी कौम को भी एक तरह से डिस्टर्ब किया और हम डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। Okay. किसी की क्या मजाल हो कि हमें डिस्टर्ब करे, तो मैं ये कहती हूं आपके ख्याल में ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है खुद अपने आप को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कह देंगे जी ये कागज का टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान की सालमियत पे निशान है। ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है, इसको बहुत सीरियस स्टेटमेंट है। बहरहाल आई लाइक टू थैंक माय गेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।